गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी क्या क्या होता है, काफी दिनों तक हम लोग का जो डैशबोर्ड होता है ना, वो डैशबोर्ड में एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये सामने का जो डैशबोर्ड है, ये हमेशा धूप में रहता है। ठीक है, ये धूप में रहते हुए क्या है, सामने का जो शीशा का जो पोर्शन है वो हमेशा धूप इस पर पड़ता है। तो इस ये जो जनरली ये जो मिडिल वेरिएंट होता है, मिडिल मतलब जो नॉर्मल क्लास का जो व्हीकल होता है, उसमें ये क्या होता है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक होता है। देखिए ये ब्रीजा है, लेकिन पूरा ये हार्ड प्लास्टिक का आवाज सुनाई पड़ रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये प्लास्टिक धूप पड़ते पड़ते ये कड़ा हो जाता है, और इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का जो कलर रहता है ना, वो फेड हो जाता है। तो उसीलिए बीच बीच में क्या होता है, आपको जरूरत पड़ता है इसको पॉलिश कर लेने का। डैशबोर्ड जो पॉलिश रहता है उसको यूज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ताकि इसका जो ग्लॉसी जो पन जो नया गाड़ी में जो रहता है वो बना रहे। तो उसके लिए मैं एक आज को नया प्रोडक्ट खरीदा हूँ, 3M का प्रोडक्ट है वो, उसका मैं आज को रिव्यू करने वाला हूँ। आप ही लोग के सामने उसको इस्तेमाल करूंगा और उसका इफेक्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा इज इट वर्थ और नॉट। तो ये मारुति का जेन्युइन प्रोडक्ट भी मैं खरीद सकता था, लेकिन मैं सोचा चलो सारे कोई बोलता है 3M 3M 3M, तो चलो 3M का ट्राई करके देखते हैं 3M का प्रोडक्ट कैसा है। तो पहले मैं अपना डैशबोर्ड पहले एक बार दिखा लेता हूँ, फिलहाल डैशबोर्ड का हालत क्या है और उसका पॉलिश यूज करने का बाद क्या आ रहा है दोनों। वो खाली डैशबोर्ड नहीं, आप दरवाजे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं खाली आप लोग को डैशबोर्ड करके भी दिखा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा इधर उधर का बात करके फायदा है नहीं। तो पहले एक बार लगा दिखा देता हूँ, फिर उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उसका आफ्टर इफेक्ट कैसे आपका फाइनली उसका आउटकम आया। चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी कुछ इस तरह से है मेरा, एकदम क्लोज जो व्यू है मैं वो दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल डैशबोर्ड का हालत कुछ ऐसा है, एक बार दूर से भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है डैशबोर्ड का हालत। ठीक है, अभी उसमें पॉलिश लगाते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा फेड हो चुका है, हाँ, अभी 1.5 साल में 2 साल में, तो इसको अभी ठीक करना जरूरी है। तो इसको एक बार पॉलिश लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसा हो रहा है। तो दोस्तों ये है, देख सकते हो 3M अल्टीमेट ड्रेसर, ये डैशबोर्ड क्लीनर कम डोर क्लीनर है, तो इसको अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक चीज जो इसके लिए जरूरी है वो है आपका जो माइक्रोफाइबर टॉवल। दूसरा किसी से मैं यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें स्क्रैच आ सकता है, तो उसीलिए माइक्रोफाइबर टॉवल और 3M का अल्टीमेट ड्रेसर, ये दोनों चीज मैं आज को इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलिए पहले इसको जो बोला गया है इसको नॉर्मल खाली जस्ट स्प्रे करना है। जैसे देखिए मैं स्प्रे कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा बस इतना ही स्प्रे करना है और कुछ नहीं करना है इसको, बस इतना थोड़ा सा स्प्रे कर लिए। अभी इसको रख देते हैं और इसको जो इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको पोंछ लेना है, तो इसको एक बार पोंछ लेते हैं। ये देखो मैं पोंछ लिया इसको अच्छी तरह से, आप देख पा रहे हो कि नहीं, इधर से उधर थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है मेरे को, बट चलो कोई नहीं, ये इसे आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, फाइनल आउटकम देखना ज्यादा जरूरी है ना, कि ये भी मैं पोंछ सकता हूँ इसको। तो देखो ये मैं इतना तक इसको पोंछ लिया, दरवाजा का भी ये पोर्शन भी मैं पोंछ लिया। ठीक है, रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, पूरा शाइनी हो गया है। ठीक है चलो, फिर ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इसको, इतना करना जरूरी है बताया जा रहा है। तो ये देखो आपका सामने अभी पोस्ट भी आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लीन और ग्लॉसी पन जो था उसका फिर से वापस आ गया है। ये पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे को लगता है ये 3M का जो कार ड्रेसर है इस वर्थ, आप लोग को भी खरीदना चाहिए। प्राइस कितना है मेरे को अभी याद नहीं है, मैं कुछ दिन पहले खरीदा था, अभी तो प्राइस दिख भी नहीं रहा है। हाँ, इसका आप यूज देख सकते हो क्या क्या यूज है इसका, क्या यार फोकस कर जा भाई। वन स्टॉप एप्लीकेशन, वन स्टेप एप्लीकेशन, क्लीन साइन एंड कंडीशन, लीव्स नो रेसिड्यू, यूवी एंड फेडिंग प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट। ठीक है, सेफ ऑन पेंट, या तो पेंट के ऊपर भी सेफ है, तो ये वेल रिकमेंडेड है। दो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई 3M और एनीवन, तो ये जस्ट प्रोडक्ट रिव्यू है। अगर अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।